Hello friends, my name is Shift-1 and I am going to discuss today the physics numerical problem which is asked in IIT JEE 2019 paper which is conducted in 10 January 2019 in shift-1. So this is the very first numerical which I am going to discuss today. इस न्यूमेरिकल में हमें बोल रहा है कि टू रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. ये हमें एक फिगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है. ये बेसिकली ये जो पेपर है ये आपका पूरी तरह से बेस्ड है जो कि हम लोगों ने इसको मेमोरी बेस्ड पेपर एक तरह से बनाया हुआ है. तो जो भी हमें डाटा मिला और जो भी हमें फिगर मिला बच्चों के थ्रू उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फिगर दिया हुआ था. इस फिगर में RA 20 ओम दिया हुआ है, RB 20 ओम दिया हुआ है. यहाँ पे दो हमारे सेल लगे हुए हैं, इनको बैटरी बोल सकते हैं 10 वोल्ट 10 वोल्ट की. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू रेजिस्टेंस RA एंड RB ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. फाइंड द करंट इन RA एंड RB. इन दोनों रेजिस्टेंस में हमको करंट निकालनी है. तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है. इसको मैं आपको बहुत ही इजीली अप्रोच करना बताऊंगा. वैसे तो ज्यादातर लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा. देखिए ये जो यहाँ पे जंक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं 0 वोल्ट कंसीडर कर लेता हूँ फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. यहाँ पे अगर मैंने 0 वोल्ट कंसीडर किया, इस पूरी लाइन में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगेन यहाँ पर पोटेंशियल आपका 0 होगा. यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल 0 होगा. इस पूरी लाइन में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पोटेंशियल 0 होगा. अगर कोई भी बीच में रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं होती है तो उसको जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं. यहां पर हमने किया. अब देखिए इधर से आपको इधर जाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव को क्रॉस करके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. तो यहां का जो वोल्टेज होगा वो 0 + 10 होगा, यानी कि 10 के बराबर होगा क्योंकि ये 10 वोल्ट दिया हुआ है. तो यहां का जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट है. सिमिलरली यहां से जब आप क्रॉस करके इधर जाएंगे तो देखिए कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव. कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का. तो 10 हमारा ऑलरेडी था, उसमें 10 माइनस हो गया तो इधर कितना आया? 0. अब हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है क्योंकि ओम ने क्या कहा है, ओम्स का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, अगर उसका टेम्परेचर वेरी नहीं करता, टेम्परेचर वेरी नहीं करता, फिजिकल कंडीशन आपकी रिमेंस कॉन्स्टेंट है, तो जो बी होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा. तो यहां से हम बी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं. हमको करंट निकालनी है क्वेश्चन में, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर. ये हम जनरल फार्मूला आपका यूज करेंगे. देखिए जब हमको इसमें रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है? तो इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज आता है वो 10 वोल्ट आता है. वोल्टेज की जगह पे हम रखेंगे 10. तो यहाँ पे हम करंट जो निकालेंगे, आरए पे निकालेंगे, तो हमें बोलता हूँ करंट आई ए जो कि होगी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर. पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है? 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20. तो यहां से जो भी करंट आई वाई वन अपॉन 2 एम्पीयर. अब हम निकालेंगे यहां पर आरबी पे करंट कितनी होगी. फार्मूला हमारा वही लगेगा. इसको हमने इस तरह से लगाया, आई ए इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बी अपॉन आर. इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 0. तो 0 अपॉन रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 ओम, 0 बाई एनीथिंग इज 0 एम्पीयर. तो यहां पे हमारा ऑप्शन हो गया 1/2, 0 एम्पीयर. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ. अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये आपका ट्रांसमीटर रिसीवर एंटीना ट्रांसमिशन सिस्टम का क्वेश्चन है. इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना आर 140 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली. यानी कि आपका जो ट्रांसमीटर है उसकी हाइट दी हुई है, रिसीवर की हाइट दी हुई है. इन एलओएस कम्युनिकेशन फाइंड और द मैक्सिमम रेंज. इसमें आपको मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करना है. इसको आप मैं जनरली आपको फार्मूला डिराइव करके बता देता हूँ. इसमें ज्यादा फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है. इस अर्थ की सरफेस पे सपोज दैट ये आपका ट्रांसमीटर लगा और इधर आपका रिसीवर है.
एक काम करता हूँ, मैं इसको रफ करके बड़ा सा फिगर आपको बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फिगर ड्रॉ कर दिया है। सपोज दैट ये आपका ट्रांसमीटर लगा हुआ है यहाँ पे और ये उधर पे रिसीवर लगा हुआ है। तो ट्रांसमीटर की हाइट अगर मैं मान लेता हूँ एचटी है, कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ ट्रांसमीटर की हाइट होगी, उसको मैंने एचटी माना, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। यहाँ से सरफेस से सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो आपकी टोटल हाइट होगी यहां से लेके यहां तक, ये होगी आर ई प्लस एच टी। और यहां से लेके सेंटर से लेके रिसीवर तक की जो टोटल हाइट है ये होगी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ रिसीवर। तो ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस हमको पता है। हमको निकालना है ट्रांसमीटर और रिसीवर इन दोनों के बीच की ये जो रेंज है ये कितनी होगी, ये हमको निकालना है। तो इसको सिंपल मैथमेटिक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये सर्कल का एक पेरिफेरल पॉइंट है, इस पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये हमारे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस या परपेंडिकुलर में से कुछ मान लीजिए। तो ये वाली चीज हम निकाल सकते हैं, ये वाली चीज कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये होगी रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि आर ई प्लस एच टी स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमने निकाली ये चीज। सिमिलरली ये वाली चीज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर आर ई प्लस एच आर स्क्वायर माइनस आर ई स्क्वायर। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इसको अगर ऐड कर दें तो यही तो हमारी रेंज है, यही हमारे लिए रेंज का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम ऐड करके देखते हैं, तो रेंज इज इक्वल टू, इसको हम रूट के अंदर इसका हम जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये होगा आर ई स्क्वायर प्लस एच टी स्क्वायर प्लस टू आर ई एच टी माइनस आर ई स्क्वायर। यहां से ये आर ई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ट्रांसमीटर की हाइट है वो काफी छोटी होती है, वेरी स्मॉल, मतलब जब हम रेडियस के कंपैरिजन में इसकी हाइट को देखते हैं ट्रांसमीटर की हाइट को, तो ये बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, क्योंकि रेडियस जो आपकी होती है 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर, मीटर में 6400000। तो इतनी ज्यादा हाइट के इतनी ज्यादा डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये आपका निग्लिजिबल होता है, और उसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो काफी छोटा अमाउंट आता है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली प्लस लगाएंगे, अब हम रिसीवर वाले उस पोर्शन को ऐड करने जा रहे हैं। तो यहां पे इसका जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच आर स्क्वायर प्लस टू आर ई इंटू एच आर माइनस आर ई स्क्वायर। ये वाला पोर्शन फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइट ऑफ रिसीवर को अगेन हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास रेंज का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा अप्रोक्सीमेट, वो आपका आएगा रूट अंडर टू आर ई एच प्लस 2RE HR। यहां पे हमको वैल्यू रखनी होगी, हमको 2 इंटू सारे ऑप्शन हमें किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो हम यहां पे सारी वैल्यू किलोमीटर में रखेंगे, क्योंकि अगर रेडियस किलोमीटर में रखेंगे भी किलोमीटर में रखेंगे तो आपकी यूनिट किलोमीटर स्क्वायर होगी, उसका जो रूट लेंगे तो वहां किलोमीटर आएगा। तो रेडियस हमारी होती है 6400 किलोमीटर और हमें ट्रांसमीटर की हाइट 140 मीटर दी हुई थी, 140 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.14 किलोमीटर आएगा। तो रेडियस 6400
into height of receiver 40 meter दी हुई थी, उसको जब हम किलोमीटर में बदल लेंगे तो 0.04 किलोमीटर आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 65 किलोमीटर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से है, और मुझे लगता है कि पूरे पेपर में ये अगला क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन फ्लूइड के दिखे नहीं, जो भी इंक्वायरी आई वहां से, हो सकता है कि बीच में क्वेश्चन रहे हों, लेकिन मेरे पास ज्यादातर इंक्वायरी जो आई उसमें फ्लूइड का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ये एक अकेला क्वेश्चन मुझे लगता है फ्लूइड का, इसलिए बोल रहा है कि कंटेनर हैज अ होल एट द बॉटम ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। Suppose that ये एक कंटेनर है और इसके बॉटम में एक होल है और इस होल का एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10^-4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन हमेशा एसआई यूनिट में करनी है, इस चीज का ध्यान रखना होगा, तो बाद में गलती ना हो इसलिए वहीं पे मैंने कर दिया। तो ये इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि लिक्विड इज बीइंग एडेड एट द रेट ऑफ 10^-4 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसा ही हमको दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू किट सो दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर रिमेंस कांस्टेंट, कहने का मतलब ये है कि यहां पर बॉटम में एक होल है, सपोज दैट पानी इस हाइट पर भरा हुआ है, ये हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल h, इस हाइट तक अगर पानी भरा हुआ है, यहां पे होल है, पानी नीचे गिरेगा, पानी जब नीचे जाएगा तो इसका लेवल क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से जो हम पानी डाल रहे हैं, यहां से जो हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर, वो हमारा 10^-4 मीटर क्यूब पर सेकंड, इस रेट से हम इसमें पानी डाल रहे हैं, इस रेट से पानी डालने से हुआ क्या, ये जो हाइट का लेवल है कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो पानी है यही पानी यहां से निकल रहा है, इतना ही अमाउंट का पानी निकल रहा है, इसलिए लेवल ना तो नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, ये कंडीशन हमको दी हुई, तो यानी कि फ्लो रेट को हमको बैलेंस करना है, जितना फ्लो रेट नीचे जाएगा उतना ही फ्लो रेट हम उसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए तो हाइट चेंज नहीं हो रही, तो ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमको रिमेंस कांस्टेंट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर इज, तो हमको ये बताना है कि कितनी हाइट रही होगी, ये हमको निकालना है, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, यहां पे हम टॉरेसलीज मेथड लगा सकते हैं, और टॉरेसलीज इफ्लक्स थ्योरम जो होती है वो क्या बोलती है उसको मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो थ्योरम हमसे ये बोलती है कि सपोज दैट कि पानी पूरा भरा हुआ है, यहां से लेके यहां तक की हाइट अगर ये y1 है, और यहां पे मैं एक पंचर कर देता हूं, यहां से पानी इस तरह से गिरेगा, इस तरह से पानी नीचे गिर रहा है, अगर ये हाइट y2 है तो यहां पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा हमें पता है, पानी के अंदर किसी भी डेप्थ में अगर प्रेशर निकालना है तो हमारे पास फार्मूला होता है रो जी एच, हमको वो हाइट चाहिए होती, तो अगर यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, हम जनरल फार्मूला h मानते हैं, लेकिन ये h किसके बराबर है, y1 माइनस y2 के बराबर, h इज इक्वल टू y1 माइनस y2, टॉरेसलीज थ्योरम ये बोलती है कि यहां से जो भी पानी बाहर निकलेगा उस पानी की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी होगी वो बराबर होती है अगर किसी भी पार्टिकल को इतनी हाइट से, जितनी हाइट का गैप है ये, उतनी हाइट से उसको जब हम फ्री फॉल कराएं, तो वो फ्री फॉल कराएंगे तो वो नीचे आएगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि इसको हम यहां से ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करते तो हमने पकड़ा होगा, जब हमने उसको पार्टिकल को पकड़ा तो उसकी वेलोसिटी जीरो, जब हम इसको ड्रॉप करेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी लगेगा, उसकी वजह से लगातार हर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पे सपोज दैट v है,
यहां पे जितनी वेलोसिटी पार्टिकल की इस हाइट पे होती है उतनी ही वेलोसिटी से पानी निकलता है। ये थ्योरम का सीरीज इफ्लक्स थ्योरम है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसी को वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये पार्टिकल यहां से गिरा है, सपोज दैट ये पार्टिकल है, यहां से ड्रॉप किया गया u बराबर 0, ये हाइट अगर h रही है तो हमको हाइट दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है, टाइम हमको नहीं दिया, एक ही फार्मूला हमारे पास होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि इसमें हाइट तो है डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन टाइम नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितना आ गया रूट अंडर 2gh, ये वेलोसिटी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे कंटिन्यूटी थ्योरम लगाएंगे। कंटिन्यूटी थ्योरम क्या होती है कि जितना वॉल्यूम निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम वहां से एंटर कर रहा है, यही हमारे कंटिन्यूटी थ्योरम है। कंटिन्यूटी थ्योरम के हिसाब से a1v1 इज इक्वल टू a2v2। a1 क्या है, इस चीज का एरिया जो कि हमको दिया हुआ है 1 cm², 1 cm² को m² में बदलेंगे तो 10⁻⁴ है, इनटू यहां पर इसकी वेलोसिटी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बराबर होगी। अगर किसी पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया जाए उसकी जितनी वेलोसिटी यहां पर होती है उतनी ही वेलोसिटी से पानी निकलेगा। अगर ये हाइट h है तो यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, रूट अंडर 2gh, तो यहां पे वेलोसिटी होगी रूट अंडर 2gh। तो ये हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट हुआ, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में ये वॉल्यूम फ्लो रेट हुआ और हमको वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट इस वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर होगा तभी ये हाइट हमारी चेंज नहीं होगी। तो इसको हम इक्वल कर देंगे 10⁻⁴ से, तो ये 10⁻⁴ दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इक्वेशन आई रूट 2gh इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 2gh is equal to 1, h is equal to 1 upon 2 into 9.8। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5.1 cm के आसपास। तो 5.1 cm is the right answer। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन आपका वेक्टर से पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि क्यूब ऑफ साइड ए, एक क्यूब हमको दिया हुआ है जिसकी साइड ए है, यानी कि सारी साइड इसकी ए होगी, इज गिवन इन द फिगर। इक्वेशन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस इन वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन टू द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस इन वाई जेड प्लेन। तो यहां पे हमको इक्वेशन निकालनी है वेक्टर की, वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, किसको किसको जॉइन करता होगा, हम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को जॉइन करना चाहिए ऑफ द सरफेस एक्स जेड टू द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस वाई जेड। ठीक है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको 3D में समझाने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज आपको फील नहीं होगा। सपोज दैट ये जो हमको फिगर दिया हुआ है क्यूब का, ये वाली एक्सिस आपकी वाई एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ये वाली जो एक्सिस है ये बेसिकली आपकी तरफ आती हुई एक्सिस है, बोर्ड से बाहर की तरफ आती हुई एक्सिस है। तो मैं ये मानता हूं कि ये वाली जो एक्सिस है जो कि इधर आ रही है वो आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमको किसका किसका मिड पॉइंट चाहिए, हमको चाहिए मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस इन एक्स जेड प्लेन। तो हमारी x एक्सिस ये है बाहर की तरफ आती हुई और z एक्सिस ये है, तो z और x ने मिलकर ये वाला प्लेन बनाया, ये वाला प्लेन जो आप देख रहे हैं ये वाला बनाया, तो इसका मिड पॉइंट ये प्लस टू द मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस y z प्लेन, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये y z प्लेन है इसका मिड पॉइंट, और ये जो हमारा x z है इसका मिड पॉइंट,
इन दोनों को ऐसे करके जब हम जोड़ेंगे, किसको किससे जोड़ना है, वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले हमें किसको लेना है, एक्स जेड। तो एक्स जेड ये है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, एक्स जेड प्लेन का मिड पॉइंट ये है, इसको जोड़ना है इससे। तो यहां पे मिड पॉइंट रहा होगा, यहां पे इस वाले प्लेन का मिड पॉइंट रहा होगा, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ना है। एरो हमारी इधर लगेगी, एरो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हमको मिड पॉइंट निकालना है इसका और मिड पॉइंट इसका निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालना बहुत इजी, ये देखिए यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है क्या होगी, एक्स। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस एक्स होगी, क्योंकि एक्स बाहर की तरफ आया होगा। ये पूरी डिस्टेंस ए होती, लेकिन ये मिड पॉइंट है, इसलिए इसका जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो ए बाई टू आई होगा, कॉमा। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट आया है ये आपकी जेड एक्सिस पे ही लाई करेगा, ये इस एक्सिस से इधर नहीं जाता, तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई चेंज ही नहीं होगा, कॉमा। अब हमें देखना है नीचे से ऊपर कितना गया होगा, नीचे से ऊपर अगर ये पूरा जाता तो ए जाता, लेकिन मिड पॉइंट होने की वजह से ये ए बाई टू गया होगा, तो जेड पे भी ये ए बाई टू जाएगा। तो मैं यहां पे जे लिख देता हूं, ए बाई टू के। तो ये इसका पॉइंट हुआ, अब मैं इसका पॉइंट लिखना चाहता हूं, ये कौन सी एक्सिस है, ये आपका वाई और जेड दोनों बिंदु प्लेन बना रहे हैं, वाई जेड प्लेन का मिड पॉइंट, तो ये वाई और जेड का मिड पॉइंट है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ आई, इस प्लेन में एक्स हमारा चेंज नहीं हो रहा, कौन कौन चेंज हो रहा है, यहां से जेड चेंज हो रहा है, ये जितनी ये जो हाइट है ये जेड है, ये आपकी ए बाई टू के बराबर होगी, यहां से ये y चेंज हो रहा है, ये भी a by 2 के बराबर होगा, लेकिन ये इस प्लेन पे एक पॉइंट है, ये इसके बाहर नहीं आता, इसलिए हमारा x 0 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, सबसे पहले x का लिखेंगे 0 i, फिर उसके बाद a by 2 j, फिर a by 2 k। बस हमको ये पॉइंट निकालना सीखना था, अगर पॉइंट निकल आया फिर तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लें। इसी में बच्चों से गलती हो जाती है, वो अगर ध्यान इसमें नहीं देते तो ये वाली चीज अगर गलत हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व। और दूसरी चीज हमको ध्यान देनी होती है डायरेक्शन की, किसको किससे जोड़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिया एक्स जेड प्लेन का, ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस इसका प्लेन का, दूसरा लिया वाई जेड प्लेन का, और एरो हमारी यहां से स्टार्ट होगी इधर की तरफ जाएगी, और जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करके बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, देख लेते हैं। जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन आएगी फाइनल 0 माइनस इनिशियल a by 2 i प्लस फाइनल आपका a by 2 माइनस इनिशियल 0 j प्लस फाइनल a by 2 माइनस इनिशियल भी a by 2 k। तो ये पूरी चीज जीरो हो गई और यहां पे वैल्यू आएगी माइनस का a by 2 i प्लस a by 2 j प्लस 0 k। यहां पे कॉमन लगा के प्लस लगा देता हूं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो। तो इसके हिसाब से हमारा बेस्ट ऑप्शन डी हमको मिलता है, माइनस का ए बाई टू आई प्लस ए बाई टू जे, जीरो होने की वजह से इसको लिखना जरूरी नहीं। एक बार मैं इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपके कॉमा में ही होते हैं, जैसे x, y, z होता है तो यहाँ पर आप कॉमा ही लगाइए। तो
तो ये x का पॉइंट हो गया, ये y का पॉइंट हो गया, ये z का पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहां पे भी x कॉमा y कॉमा z, लेकिन जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं x2 minus x1 और फिर उसके बाद वेक्टर लगाते हैं i का, फिर y2 minus y1 j का, फिर z2 minus z1 k का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ये दिया हुआ है सैटेलाइट का, ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में जो सैटेलाइट का पोर्शन होता है उसमें से है। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज v, सैटेलाइट की स्पीड यहां पे v दी हुई है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि एक इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट मैंने यहां पे ड्रा कर ली, यहां मान लो सैटेलाइट है, सैटेलाइट इस पे जो करके मूव कर रहा है इधर, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब ये मूव करेगा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी यहां पे दी गई है v, वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, इसी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, यहां पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दी गई है v के बराबर, यहां पे बीच में अर्थ रही होगी, अर्थ के बाहर सैटेलाइट गोल-गोल चक्कर लगा रहा है, और इसका जो पाथ है सर्कुलर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमको v दी हुई है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m which is ejected from the satellite so that it escapes from the gravitational field from earth. तो इसके बाहर कोई मास हमने फेंका, वो अर्थ की gravitational field से भी बाहर निकल जाए, तो इस चीज के लिए हमें kinetic energy बतानी है। तो हमें ये पता है कि अगर अर्थ के बाहर निकल जाए उसके लिए अगर हमको velocity को consider करना है, तो escape velocity होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्कैप वेलोसिटी, इन सब चीजों के आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो जनरली जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है रूट अंडर जी एम अपॉन आर ई, और जो स्कैप वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है, उसमें यहां पे 2 लग जाता है, 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर ई। इसका ये मतलब है कि ये जो पूरा पोर्शन है अंडर रूट वाला, ये पूरा पोर्शन तो वी नॉट के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 टाइम्स v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हमारी स्कैप वेलोसिटी रूट टू टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, यहां तक आप लोगों को पता होगा। अब हमको बताना है जो भी मास इजेक्ट किया जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जबकि वो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस तभी कर पाएगा जब उसके पास स्कैप वेलोसिटी नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी ऑफ m, जो है वो मास है जिसको यहां से इजेक्ट किया गया, मान लो यहां से कोई मास ऐसे करके इजेक्ट किया गया, तो ये आपका मास है, और ये जिस वेलोसिटी से इजेक्ट करेंगे वो आपकी स्केल वेलोसिटी होनी चाहिए तभी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर पाएगा। तो मास हमने रखा यहां पर, रखेंगे उसकी स्केल वेलोसिटी, उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तब उसको काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आपका रूट टू टाइम्स वी नॉट है, रूट टू टाइम्स वी नॉट, और वी नॉट जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो आपको वी दी होगी, तो हम वी नॉट की जगह पे वी रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप देखिए हाफ एम रूट टू का स्क्वायर टू के बराबर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर इज थर्ड ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, ये मोशन का न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास एम स्कैट ऑन द प्लेटफॉर्म, सपोज दैट ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मास हमने रख दिया, इसका मास है, ठीक है। तो कैप ऑन द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स मूविंग, प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल जी बाई टू। अब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो जी बाई टू है। ये ऊपर दिया हुआ है, फाइनली वर्कन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा, नॉर्मल फोर्स कितना काम करेगा, मान लिया हमने n नॉर्मल फोर्स इस पे काम करेगा, इस समय यहाँ पे नीचे इसका जो वेट लग रहा होगा वो mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही होगी। तो हमको ये बताना है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, इस नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पर इन फर्स्ट सेकंड टाइम हमको दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड। तो वर्क डन हमको निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
अब हमको ये पता करना पड़ेगा, और फोर्स की जगह हम क्या लेंगे, नॉर्मल फोर्स एल इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्मल फोर्स कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये दो चीजें हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो नेट फोर्स बराबर मास इक्वल एक्सीलरेशन हमको यहां पर लगाना पड़ेगा न्यूटन पर सेकंड। नेट फोर्स क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, तो n माइनस mg ये नेट फोर्स लगेगा इस पे, और इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है g / 2 के बराबर, इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इक्वल एक्सीलरेशन, मास कितना m, एक्सीलरेशन कितना g / 2, तो ये आ गया mg / 2, ये mg उधर चला जाएगा तो नॉर्मल डायरेक्शन हो जाएगी mg plus mg / 2 is equal to 3 by 2 mg। तो हमने नॉर्मल फोर्स निकाल लिया यहां, नॉर्मल फोर्स आया हमारा 3 by 2 mg into, अब हमको ये देखना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको टाइम दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड, तो जब हमको टाइम दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास s is equal to ut plus half at square। अब देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्टार्ट में रेस्ट में था, फिर उसके बाद स्टार्ट्स मूविंग का मतलब रेस्ट से शुरू हुआ मूव करना, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो रही होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, s is equal to half, एक्सीलरेशन इसका g by 2 है, टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहां से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया g by 4, और इस g by 4 को यहां पर पुट करेंगे g by 4, तो यहां से वर्टन इज इक्वल टू 4 into 2 8, और ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 8, m g into g g स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर है 3 by 8 m g स्क्वायर, 3 by 8 m g स्क्वायर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जो भी हमारे पास अवेलेबल थे, तो अगर इसके सॉल्यूशन को समझने में कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो में कोई दिक्कत हो तो उसको हमें कमेंट द्वारा बताइए, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके सजेशन हो